विदेश व्यापार की आकार और दिशा के संरचना के बाद हम तीसरे भाग में निर्यात संवर्धन उपायों की बात करेंगे, क्योंकि आयात हमारे बड़े तेजी से बढ़े हैं और निर्यातों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही, नतीजे में व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा निर्यात वृद्धि के निरंतर प्रयास किए गए हैं। निर्यातों में वृद्धि से हमें व्यापार घाटे में कमी आएगी, विदेशी ऋण की कमी होगी, औद्योगिकरण में तेजी होगी, नतीजे में आय और रोजगार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा के संकट से हम निजात पाते हैं। तो ऐसे में निर्यात संवर्धन के प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर किए गए और निर्यातों में वृद्धि भी हुई है, निर्यातों की संरचना में भी वृद्धि हुई है। हम देखें तो जो प्रयास किए गए उनमें विभिन्न समितियां बनाई गई, जिनसे कि निर्यात को बढ़ाया जा सके। 1981 की टंडन की अध्यक्षता में जो हम समिति बनाई, जिसने कि विदेश व्यापार के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की, इसके अलावा हमने विशेष संगठन स्थापित किए, जिससे 1957 में निर्यात संवर्धन निदेशालय, 1978 में केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद, निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद, 9 वस्तुओं के संदर्भ में हमने अलग से बोर्ड बनाए, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रेशम बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, इलायची बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, रबर बोर्ड आदि। निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न मेले और प्रदर्शनियों के आयोजन की व्यवस्थाएं निरंतर होती रही है। किस्म सुधार के संबंध में कलकत्ता में निर्यात निरीक्षण परिषद है, दिल्ली में भारतीय मानक संस्थान है, टेक्सटाइल के लिए मुंबई में अलग संस्थान है। इसके अलावा दस्तकारी और हथकरघा निगम, केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम, काजू निगम, रसायन और फार्मास्यूटिकल निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम मुंबई, चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम, अभ्रक व्यापार निगम आदि स्थापित किए गए, जो कि अलग अलग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद निर्यात के लिए वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, राष्ट्रीयकृत बैंकों में को निर्देश दिए गए कि वे इस संबंध में वित्त की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त निर्यात साख और गारंटी निगम, औद्योगिक विकास बैंक, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो हमने 1982 में स्थापित किया, इसके अलावा निर्यात संवर्धन के लिए अलग से योजनाएं शुरू होती रही हैं, जिनमें अलग अलग दशाओं में करों में छूट, वित्तीय अनुदान या सहायता, माल भाड़े में रियायत, कच्चे माल की आयात की सुविधा, उसके लिए अलग से लाइसेंस, विदेश व्यापार केंद्रों पर शोरूम ताकि भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी हो सके, काफ़ी प्रयास किए गए। इसके अलावा हमने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी किया। 1991 में हमने 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन कर निर्यात वृद्धि के प्रयास किए गए। 9 निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई। विशेष आर्थिक जोन हमने स्थापित किए। निर्यात संवर्धन पार्क हमने बनाए हैं
लगभग 23। राजस्थान में हम देखें तो एक सीतापुरा में और दूसरा बोरनाडा में है। रत्नों और आभूषणों के लिए अलग से सुविधाएं दी गई। इस तरह से काफ़ी प्रयास निर्यात संवर्धन के लिए किए गए हैं और उसके नतीजे में निर्यातों में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। अब है कि इन सब प्रयासों के बाद और निर्यातों में काफ़ी मात्रा में वृद्धि के पश्चात भी, चूँकि आयात कहीं ज़्यादा हैं, तो हमें और अभी निर्यातों में वृद्धि की आवश्यकता है। उसमें जो बाधाएं आती हैं, एक तो है कि विकसित राष्ट्रों का अब दृष्टिकोण उदार नहीं है, वे कई तरह की बाधाएं, संरक्षणात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरा है प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। जैसे हम वस्त्र में देखें तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम हमसे अब प्रतियोगिता कर रहे हैं। चाय में श्रीलंका और चीन से हमारी प्रतियोगिता है। जूट में हमारा बांग्लादेश से प्रतियोगिता है। फिर है कि भारत में आंतरिक मांग में बहुत वृद्धि हुई है, ऐसे में निर्यात के लिए वस्तु की पूर्ति थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारी उत्पादन लागतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो नतीजे में प्रतिस्पर्धा में टिकना कठिन हो जाता है। क्षेत्रीय गठबंधन हो गए हैं, फैशन में या मांग में बदलाव आ जाता है, विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है। इसके अलावा कच्चा माल यदि कम क्वालिटी का है या पर्याप्त नहीं है, तकनीकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण की समस्याएं हैं, ऐसे में ये कुछ बातें हैं जिन पर कि हम ध्यान देंगे तो हम निर्यातों को और बढ़ा सकेंगे और विदेश व्यापार घाटे को हम कम कर सकेंगे।